लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सीएम योगी आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। औरैया और इटावा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अफसरों संग राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। 15 जिले के 257 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीएसी की 39 टीमें बचाव और राहत कार्य में जुट गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहां पर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। और अवनीश मेरे सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा किया जाएगा, किस वक्त सीएम योगी समीक्षा के लिए निकलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया और इटावा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। और काकोरी में जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले इटावा के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पे हवाई सर्वे करेंगे। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ज़्यादा इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं वहाँ पर बचाव कार्य और राहत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और खुद फैसला लिया है कि वो खुद हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का आकलन करेंगे और उसके बाद तमाम अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। उन अफसरों को दिशा निर्देश जारी करेंगे कि बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए, जितने भी राहत कार्य हैं उसमें तेजी लाई जाए और जो भी जहां पे फंसा हुआ ग्रामीण उसको सही तरीके से राहत शिविर में पहुंचाया जाए ताकि किसी प्रकार का जनहानि का न हो पाए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। और उत्तर प्रदेश में 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, ऐसे में 15 जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए तमाम जो राहत कार्य हैं बचाव कार्य हैं उसमें तेजी लाई जाए और जितने भी पीएससी की कंपनियां उनको चाहिए वो उपलब्ध करवाई जाए। तो इसी सब साथ को साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद औरैया और इटावा जाने का फैसला लिया है और कुछ ही देर में वह इटावा और औरैया जाएंगे, वहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद समीक्षा बैठक करेंगे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, उसमें दिशा निर्देश जारी करेंगे और बाढ़ से फंसे हुए जितने भी लोग हैं, बाढ़ से जितने भी प्रभावित लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको बेहतर तरीके से करने के लिए, उनको जनहानि से रोकने के लिए, उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। और ये पहल सराहनीय है क्योंकि जिस तरह से औरैया और इटावा में बाढ़ ने कोहराम मचाया है उसको लेकर सीएम योगी अब सजग हैं और ये दौरा करने जा रहे हैं। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update.